मायावती भड़की हैं। नीतीश कुमार पर माया का सीधा हमला, दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहिए, मुंह में राम बगल में छुरी, महंगाई गरीबी बेरोजगारी के बजाय ध्यान भटका रहा है विपक्ष, जनता में विश्वास नहीं जता पा रहा है विपक्ष। विपक्ष की पटना बैठक पर मायावती का बयान, विपक्ष की पटना बैठक में मायावती को नहीं बुलाया गया, नाराज मायावती ने एक के बाद एक चार ट्वीट किए हैं। नीतीश समेत सभी विपक्षी दलों को भला बुरा कहा है माया ने, उन्होंने कहा है कि मुंह में राम बगल में छुरी जैसे तमाम तंज कसे हैं, उन्होंने ट्वीट करते हुए विपक्षियों पर निशाना साधा है। एक साथ एक के बाद एक चार ट्वीट करके मायावती ने विपक्षियों पर निशाना साधा है। विपक्ष की पटना बैठक पर माया का बड़ा बयान, साफ साफ दिखता है कि माया इससे नाराज नजर आ रही हैं। विपक्ष की महारैली में से माया भड़की हैं, नीतीश कुमार पर मायावती का सीधा हमला, उन्होंने कहा है दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए, मुंह में राम बगल में छुरी, महंगाई गरीबी बेरोजगारी से ध्यान भटका रहा है विपक्ष, जनता में विश्वास नहीं जता पा रहा है विपक्ष। और देखिए इन ट्वीट के माध्यम से मायावती ने जो है हमला किया है, उन्होंने लिखा है महंगाई गरीबी बेरोजगारी पिछड़ापन अशिक्षा जातीय द्वेष धार्मिक उन्माद हिंसा आदि से ग्रस्त देश में बहुजन से ग्रस्त हालात से स्पष्ट है कि परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मान्यवादी समतामूलक संविधान को सही से लागू की क्षमता कांग्रेस बीजेपी जैसी पार्टियों के पास नहीं है, बल्कि अब लोकसभा आम चुनाव में पूर्व विपक्षी पार्टियां जिन मुद्दों को लेकर उछा रही हैं, और ऐसे में श्री नीतीश कुमार द्वारा कल 23 जून को विपक्षी नेताओं की पटना में बैठक, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए की कहावत ज्यादा चरितार्थ करती है। उन्होंने तीसरे ट्वीट में लिखा है वैसे अगले लोकसभा चुनाव की तैयारी को ध्यान में रखकर इस प्रकार के प्रयास से पहले अगर ये पार्टियां जनता में उनके प्रति आम विश्वास जगाने की गजर से अपने गिरेबान में झांक कर अपनी नियत को धोखा साफ थोड़ा साफ कर लेती तो बेहतर होता, मुंह में राम बगल में छुरी आखिर कब तक चलेगा। वही चौथे ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि यूपी में लोकसभा की 80 सीट चुनावी सफलता की कुंजी कहलाती है, किंतु विपक्षी पार्टियों के रवैये से ऐसा लगता है कि वे यहां अपने उद्देश्य के प्रति गंभीर व सही मायने में चिंतित हैं, बिना सही प्राथमिकता के साथ यहां लोकसभा चुनाव की तैयारियां क्या वाकई जरूरी बदलाव ला पाएगी। और मैं सहयोगी संजय चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, 23 तारीख को विपक्ष की महारैली से मायावती नाराज नजर आ रही हैं, ये साफ साफ उनके जो बैक टू बैक चार ट्वीट आए हैं वो दर्शा रहा है। संजय बिल्कुल, तो मैं बताऊं आपको कि 2024 के लोकसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में विपक्ष पूरी तरीके से एक होने का प्रयास कर रहा है, और यही वजह है कि नीतीश कुमार की अगुवाई में विपक्ष पटना में एक बड़ी रैली, कल बड़ी रैली होनी है, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती बेहद नाराज हैं इस रैली को लेकर के। उसके पीछे का बड़ा कारण है कि विपक्ष के तौर पर उन्हें पहले तो न्योता नहीं दिया गया, और यही वजह है कि आज उन्होंने बैक टू बैक चार ट्वीट करके पूरे विपक्ष की हवा निकालने का प्रयास किया है, और यूपी की सियासत ही समेत पूरे देश की सियासत में कहीं ना कहीं उथल पुथल करने का प्रयास किया, और सीधे तौर पर हमला नीतीश कुमार पर किया, विपक्ष पर हमलावर हुई। और चूंकि यूपी एक मास्टर सीट कहा जाता है, क्योंकि दिल्ली की सीट पर अगर काबिज होना है तो यूपी से होकर के जाना होता है, यूपी को फतेह करना होता है, तो ऐसे में उन्होंने विपक्ष पर सीधे हमला बोला है कि जनता के मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है, यूपी की सीटों पर फोकस करने की बजाय कहीं ना कहीं भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो नीतीश कुमार पर भी सीधा हमला, उन्होंने तीखा हमला बोला है कि दिल मिले या न मिले लेकिन हाथ मिलाते रहना चाहिए, और हाथ मिल रहे हैं, क्योंकि पटना में जिस तरीके से बड़ी रैली है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को यूपी से विपक्ष के तौर पर उन्हें बुलाया गया है, राष्ट्रीय लोकदल के जो प्रमुख है जयंत चौधरी को बुलाया गया है, कांग्रेस के तमाम लीडर जो हैं वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे, राहुल गांधी, खड़गे, सोनिया गांधी की भी जाने की उम्मीदें बताई जा रही हैं। तो ऐसे में जब विपक्ष पटना में एक बड़ी रैली करके एक बड़ी रणनीति तैयार कर रहा है, और कैसे 2024 में बीजेपी को रोका जाए, उस रथ को रोकने की, उस विजय रथ को रोकने का प्रयास कर रहा है, ऐसे में बसपा सुप्रीमो का ये ट्वीट और बैक टू बैक चार ट्वीट आना अपने आप में सियासी गलियारों पर चर्चा का विषय बन चुका है।
लेकिन संजय इस ट्वीट से कहीं ये ट्वीट कहीं ये तो नहीं दर्शा रहा है कि मायावती को नहीं आमंत्रित किया गया उस महारैली में, से मायावती नाराज तो नहीं है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सवाल है चसला, क्योंकि समूचे विपक्ष को एक करने की बात नीतीश कुमार कर रहे हैं, उस पे उन विपक्ष को भी जिनसे कांग्रेस भी परहेज करती है कुछ दलों से, तो ऐसे में यूपी में अपना महत्व तो रखती हैं, चार बार की मुख्यमंत्री रही हैं, दलित पिछड़ों में खासे कहीं ना कहीं उनकी अपनी पकड़ है, ऐसे में उनका बुलाया न जाना तो अपने आप में अखर रहा है कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो को, और यही वजह है कि नाराजगी ट्वीट के जरिए, और 24 घंटे पहले जिस तरीके से कल पटना में एक बड़ी बैठक होनी है और बड़ी बैठक में लगभग विपक्ष के तमाम नेताओं को बुलाया गया, तो ऐसे में बसपा सुप्रीमो का यूपी और नोएडा गोल्फ एवेन्यू 2 के 686 फ्लैट का आवंटन रद्द, हाईकोर्ट के आदेश पर प्राधिकरण ने आवंटन रद्द किया।